जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहाँ से आता है? जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप करता है, वही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पर जमकर हमला किया। इस दौरान वो कुछ विवादित भी बोल गए। पार्टी के मिलन समारोह को संबोधित करते हुए लल्लन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ढोंगी हैं, उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का दो दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका एक वो दिखाने वाला था। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। आई उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहाँ से आ गया? अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या। तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है। ये पूरे पार्टी वही है। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको तो, इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। लल्लन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तो बीजेपी को आरक्षण विरोधी तक कह दिया। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को याद करवाया और फिर जो कुछ भी कहा, जरा आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। ये उनका उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। लल्लन सिंह के बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। बता दें कि हाल के ही महीनों में जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, लेकिन जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से नीतीश सरकार किसी न किसी वजह से विवादों में घिरी हुई है और एक बार फिर लल्लन सिंह का ये बयान विवादों में है, जिस पर अब बवाल मच गया है। पटना से सुजीत झा की रिपोर्ट, बिहार तक।